कास्टिंग हुआ कैसे हुआ? भाई मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने एक आर्टिस्ट को, कशिका कपूर को, जो है संजीव चतुर्वेदी से मिलाया, जो कंपोजर है और लिरिक्स राइटर भी है। तो उसने अपना गाना बनाया प्रतीक सेठपाल और कशिका कपूर को लेके, तो गाना सब हो गया उस, और उस गाने की कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आप लोगों को पता है। तो कशिका कपूर को वो कहीं और मीटिंग करवा रहा है और कहीं और से उसको दिला रहा है प्रोजेक्ट। तो ये मेरे साथ में मेरे पेट में लात मारने वाली बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा काम है कास्टिंग करना, कास्टिंग डायरेक्शन करना, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ मैं। तो तुम्हारा काम है, तुम प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक कंपोजर हो, राइटर हो। जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई इसने मेरी धुन चुरा ली, इसने मेरी ये चुरा लिया, इसने मेरा म्यूजिक कंपोजिशन चुरा लिया, वो उसी तरीके से इसने मेरे आर्टिस्ट को चुरा के कहीं और बेच दिया। मैंने तो एक बार फॉरगेट कर दिया, अभी फिर से सेम गलती उसने रिपीट एक और बार कर दी। अभी एक और बार ये गाने के लिए मैंने उसके लिए कास्ट किया, फिर सेम चीज़ उसने रिपीट कर दी मेरे साथ में। इसीलिए मैं सोचा भाई एक बार तो गलत कर दिया, मैं चुप बैठ गया, अभी दोबारा कैसे चुप बैठ गया। इसमें गलत क्या है बताइए भाई? इसमें गलत ये है कि भाई ये एथिक्स के खिलाफ है, इस चीज़ को एथिक्स बोलते हैं। माना लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसी को एथिक्स बोलते हैं। अगर आप मुझे किसी से मिलाते हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी डील के लिए, और मैं वो डील उनके साथ करता हूँ बराबर आपके थ्रू और आपके साथ मिलके, और उसके बाद में मैं कोई और डील उनके साथ करूँ आपके बिना, तो ये एथिक्स के खिलाफ है। ये तो मेरा गलती नहीं है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का गलती है, गलती तो आपका आर्टिस्ट है, दोनों का गलती है। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर और उसकी ही गलती है, आर्टिस्ट की भी उतनी ही गलती है। मैंने ये कभी नहीं बोला है कि जिस आर्टिस्ट को आपने पहली बार काम दिलाया, अगर वो आर्टिस्ट दूसरे के पास जाता है फिर वो दूसरे से तीसरे, ये तो लाइन होता ही है, लेकिन वो आर्टिस्ट को बोलना चाहिए था कि अगर बिल्कुल सही बात है, मेरे को लेना चाहते हो तो नूर भाई से बात करो। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये तो गलती किसका है? दोनों का है, मैं दोनों का बोल रहा हूँ ना। अगर मैं आपके मिला हुए बंदे से आपके बिना मैं कोई और डील करता हूँ, गलती सिर्फ आपके बंदे की नहीं है, गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं आपके बिना उनके साथ डील किया दूसरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की है या प्रोडक्शन हाउस की है, गलती उतनी ही एक आर्टिस्ट की है जो वो मिलाने वाले को, कास्टिंग डायरेक्टर वाले को, वो लोग भूल जाते हैं, समझे बात को। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि भाई गलती सिर्फ इनकी है, गलती दोनों की है भाई, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, एक से थोड़ी बजती है। तो ये जो अपने इस उसके बाद कशिका से या तो दूसरा जो एक्टर है उनसे मैंने है ना भाई बात किया था, तो उन्होंने बोला कि भाई वो डील नहीं हुई नूर भाई, अगर वो डील होगी तो हम तुम्हारा नाम उसमें जरूर देंगे, ये देंगे वो देंगे। मैंने बोला भाई नाम देने की बात नहीं है, ये ओवरटेक करने की बात है, ये डबल क्रॉस करने की बात है, ये चीज़ तो गलत है। अगर मैं आपके साथ करूँगा तो आपको बुरा लगेगा ना, तो मैंने बोला हाँ तो सॉरी उसके लिए, उन्होंने बोला मेरे पास, मैं तो फॉरगेट कर दिया। सेकेंड टाइम उसने फिर से किया ना संजीव चतुर्वेदी ने, तो फिर इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। ये लिरिक्स राइटर है, ये कंपोजर है, ये अभी ये अपना प्रोडक्शन हाउस भी इसने अभी ओपन किया हुआ है, एक म्यूजिक लेबल ओपन किया हुआ है, देसी म्यूजिक कुछ नाम से कुछ उसने ओपन किया हुआ है। अभी उसका दूसरा गाना है कि मैंने कास्टिंग की, तो वो उस कास्टिंग में भी उसने वैसा ही किया, उस आर्टिस्ट को कहीं और से काम दिलवा दिया। और मैं इसके पास बोला, और ये मुझे धमकी देता है फोन पे कि नूर मैं तेरे को कहीं पे क्रेडिट नहीं दूंगा, समझ रहे हो? अरे भाई ये कास्टिंग वाले तुम्हारे गाने के लिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करवा के दिया और तुम बात करते हो उसको क्रेडिट नहीं दोगे, तो ये तो नाइंसाफी है ना भाई। मुझे फोन पे बोला उस इंसान ने ये बात, आप गलत है या सही है मुझे बताओ ऐसा बोलना। तो आपने कशिका के फादर से मेरी बात हुई थी इस चीज को लेके, तो उन्होंने मैनेजर है या डायरेक्ट उससे बात? नहीं, मेरी डायरेक्ट बात होती है कशिका से, बड़ी अच्छी लड़की है वो कशिका, उसके फादर भी बड़े अच्छे हैं, उसकी मदर भी बड़ी अच्छी है, वो सब बहुत ही मेरी भी ये वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो लोग भी करते हैं। उन्होंने बोला यार नूर यार हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं है। मैंने बोला भाई गलत बात तो है ना, मेरे पेट पर लात मारने वाली बात होती है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आप लोग आर्टिस्ट लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा भाई? तो मैं क्या सुसाइड कर लूँ अगर सब आर्टिस्ट मेरे साथ ऐसा करेंगे? तो सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे साथ ऐसा करें तो हम कास्टिंग डायरेक्टर अगर किसका दरवाज़ा खटखटाएं भाई? इसीलिए मैंने आप लोगों का, क्योंकि आप लोग मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को उठाती भी है और गिराती भी है, क्योंकि आप लोग सही और गलत में से आप सही का साथ देते हो हमेशा। तो वो ठीक है अभी, लेकिन आप आर्टिस्ट का कास्टिंग करते हैं तो आपका एक कमीशन रहता है, वो रियल एक कमीशन रहता है कास्टिंग वालों का, तो उनका साथ आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने एकदम दुरुस्त सवाल किया है। इसके ऊपर क्या है ना, जैसे ये लोग प्रोडक्शन वाले कहें क्या करते हैं ना, म्यूजिक वीडियो का चलन तो ये आप 2-2.5 साल से 3 साल से आ रहा है बराबर ना भाई। मैंने मोर देन 50 म्यूजिक वीडियो किए हैं एज ए कास्टिंग डायरेक्शन में। तो ये लोग क्या करते हैं ना भाई, कुछ लोग एग्रीमेंट ही नहीं करते मेरे साथ, नहीं आर्टिस्टों के साथ भी नहीं करते,
तो फिर मेरे साथ कहाँ से करेंगे? कुछ लोग 10% लोग आर्टिस्ट के साथ में एग्रीमेंट करना पसंद करते ताकि वो मचमच नहीं करे प्रमोशन के दौरान, वो लोग पोस्टिंग ना करें, इंस्टाग्राम रील नहीं बनाए, इसलिए कुछ लोग उसमें 10% मैं बोलूँगा वो लोग करते हैं। लेकिन आर्टिस्ट लोग क्या है ना, प्रमोशन वगैरह सब करते हैं लेकिन फिर भी वो सेफ साइड के लिए वो लोग आर्टिस्ट के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं। अभी आपने सही सवाल किया है, अब मुझे भी उनके साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई इस आर्टिस्ट को मैं दे रहा हूँ आपको और इस आर्टिस्ट के साथ आप मेरे बिना काम नहीं कर सकते हो। ये हर कास्टिंग वाले को वैसा वाला एग्रीमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, एकदम सही बोल रहा हूँ। ये मैं नोट करूंगा इस चीज को ताकि मैं आर्टिस्ट के साथ भी एग्रीमेंट बनाऊं और इनके साथ भी बनाऊं। आपने एकदम सही बात, दुरुस्त बात की है भाई। तो आगे आपने किस तरह से ये देखते हैं कि कास्टिंग वालों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मतलब हर एक कास्टिंग वालों को, बहुत छोटे छोटे बड़े कास्टिंग छोड़ दीजिए, उन लोग तो पूरा एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन जो आप जैसे हम जैसे जो भी कास्टिंग वाले है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भाई कास्टिंग वालों को क्या है ना, आपस में मिलजुल के एक अपनी एक जो है ना ये कमेटी बनानी चाहिए ताकि है ना भाई उसका कुछ वैल्यू हो या ना हो, लेकिन क्या है ना आपस में जब भाई ये रस्सी होती है ना उसका वैल्यू नहीं होता है, अगर 10 रस्सी एक साथ मिल जाए ना तो वो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, समझे? तो एक कास्टिंग वाले के साथ अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई प्रोडक्शन वाला गलत करता है, जैसे मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्या ना सारे कास्टिंग वाले उसके लिए खड़े हो जाएं और आवाज़ उठाएं, तो ऐसा आवाज़ उठाएंगे तो क्या है ना कास्टिंग वालों को भी एक दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि आप मीडिया वाले भी, मैंने कई बार देखा है कि किसी भी म्यूजिक लॉन्च में आप लोग जाते हो तो आप लोग सवाल करते होते भाई क्या जोड़ी आपने कैसी बनाई, क्या बनाई, आपको कैसे माइंड में आया कि इन दोनों को इस गाने में लेना है? आप लोग भी ये नहीं सोचते हो कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर ने इन दोनों को कास्ट किया है उस गाने के लिए, उस पर्टिकुलर या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए, आप लोग भी नहीं करते। क्योंकि इस चीज़ में मैं आप लोगों का भी साथ चाहूँगा हमेशा, आप जहाँ भी जाते हैं किसी भी म्यूजिक लॉन्च में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को ये स्पेशली एक सवाल करना पड़ेगा कि भाई इसकी कास्टिंग किसने की है, इसका कास्टिंग डायरेक्टर कौन है। अगर आप भी ये लोग ये सवाल करने लगेंगे ना तो ये कास्टिंग डायरेक्टर का एक वेट वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। प्रत्येक सहजपाल वाला जो मैटर हुआ था, हाँ वो भी शायद आप उसमें इन्वॉल्व थे जी, जी क्या था उसके बारे में? अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उठा के अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें है ना कशिका कपूर जो है वो बेचारी इनोसेंट है बहुत, में अगर मैं तो उसको इनोसेंट बोलूँगा, बहुत ही प्योर सोल है उसका। वो संजीव चतुर्वेदी के कान में पूछती है क्या भाई वही करना, अगर मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूँ ना, देखना आप, क्या वही बोलना है, वही करना है, हाँ बोलते हैं, हाँ वही करना, वही बोलना, वो आवाज़ उसकी आ रही है, आप लिपसिंग भी रीड कर सकते हो किसकी, संजीव चतुर्वेदी की। फिर उसके बाद में वो लड़की जो है ना उसका ब्रेन वॉश किया गया था एक्चुअली। तो क्या ना वो प्रतीक सेजपाल बेचारा बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल लड़का है, मैंने कई आर्टिस्टों के साथ काम किया है, इतना हम्बल इंसान मैंने देखा नहीं है, ये बड़ा ही अच्छा लड़का है भाई प्रतीक सेजपाल। और कशिका कपूर भी बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन उसका ब्रेन वॉश किया गया अपने गाने को हिट कराने के लिए संजीव चतुर्वेदी की, कहीं ना कहीं वो एक चाल थी, वो एक साजिश थी जो नाकाम हुई। तो और एक सवाल मेरा जी कि कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोड्यूसर का फोन आते कि हमारे लिए एक कास्ट करो, जी वो लड़की ऐसा होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज हो रही नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज वाले तो भाई मैं क्या ही बोलूं भाई, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और मेरी अच्छाइयों ने बदनाम कर दिया, ये बदनाम करने वाली बात हो जाएगी, ये ना बोले तो अच्छा है। कुछ लोग अच्छे थे, वो हर इंडस्ट्री में है, ये जो आप सवाल कर रहे हो ये तो कहीं कुछ जॉब दिलाने के लिए भी ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात आती है, ये सिर्फ इंडस्ट्री वाली बात, मतलब सिर्फ इंडस्ट्री में ये बात नहीं है भाई, ये एवरी इंडस्ट्री में है, हर चीज़ में, हर फील्ड में, आपको पता है ये हर जगह है, इसी तरह हम इसको इंडस्ट्री में ही टारगेट करेंगे तो ये गलत बात है भाई। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ सॉरी भाई मेरे तुम गलत पर्सन से ये सवाल कर रहे हो, गलत पर्सन तुम ये बात बोल रहे हो, मैं नहीं उस पे सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होता भाई, क्योंकि गलत बात है ना। फिर तो सर आपका साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन भी है? हाँ मैंने मेरे एडवोकेट से बात की है इस बारे में, मेरा एडवोकेट है, मैंने उसके पास बात की है, तो उसने मुझे बोला कि नूर यार गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन ले लो, आई एम विथ यू, कोई भी गलत होगा तो मुझे बता देना, तुम मुझे आके मिलना एक बार, क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक बार मुझे बता देना। तो हाथ से भी लेटर लेके पुलिस स्टेशन में सबमिट कर सकते हैं, डिसमिस कर सकता है, उसके बाद दोनों तरफ से पुलिस, वो एडवोकेट मेरा बताएगा क्योंकि कानून के बारे में वही ज्यादा जानता है ना, मैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो शब्दों का बड़ा खेल है भाई, कुछ शब्द है ना एक ही शब्द कई जगहों पे अलग अलग मतलब निकल के सामने आते हैं, तो फिर क्या ना शब्दों का इस्तेमाल ऐसी कानूनी जगहों पे, हाँ भाई कंप्लेन करने वाले, हाँ मैं बहुत जल्द करूंगा इंशाल्लाह। क्या वो कुछ दोनों आर्टिस्ट के ऊपर भी और प्रोड्यूसर के ऊपर भी? हाँ तो मैं तो भाई करूंगा, अगर वो लोग अपनी गलती को अगर रियलाइज करते हैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि देखो माफी जो इंसान मांगता है, अगर सेम गलती करके एक इंसान हजार बार भी सेम गलती के ऊपर माफी मांगता है तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफी मांगने वाले से ज्यादा माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। तो क्या है ना हम सेम गलती करते हैं और अपने भगवान के पास माफ़ी मांगते हैं, सेम गलती की माफ़ी हम बार बार मांगते हैं, हर बार मांगते हैं, और भगवान इतना दयालु है कि सेम गलती की मतलब माफ़ी वो हज़ार बार करता है, तो हम भी अपने लोगों को, अपने भगवान के लोगों को, हमको भी माफ़ कर देना चाहिए, अगर वो सामने वाला माफ़ करता है उस चीज़ को रियलाइज़ करता है तो।
तो क्या मतलब जो भी आर्टिस्ट आपने किया तो फर्स्ट टाइम किसको किया था और इसने धोखा दिया कि उसको आपने लॉन्च किया? भाई इसके पहले मेरे साथ कई बार हुआ है, और आर्टिस्टों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये कास्टिंग वाला कास्टिंग डायरेक्टर तुमको किसी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करता है, तुमको भी उस कास्टिंग डायरेक्शन के साथ में तुमको खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान तुमको 10 प्रोड्यूसर से और 10 डायरेक्टर से मिलाता है, तुम उसको भी ओवरटेक करके तुम उनके साथ डायरेक्ट हो जाते हो, ये भी गलत बात है। मैं सारे मेरे आर्टिस्टों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसा प्लीज़ आप लोग किसी के साथ मत करो। जो कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको किसी के साथ भी मिलाता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी काम उसके बिना मत करो, क्योंकि वो चीज़ आप रियलाइज़ नहीं करो कि ये सही है या गलत है, उस टाइम में आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैठ के अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, ये एक कास्टिंग डायरेक्टर के पेट पे लात मारने वाली बात है। तो आप पूरा जो कास्टिंग डायरेक्टर बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर उनसे क्या विनती करोगे, क्या मतलब? भाई मैं ये उन सबसे विनती करूंगा कि भाई हिंदुस्तान में ये कास्टिंग डायरेक्टर के लिए एक क्या है ना, जैसे जूनियर आर्टिस्ट का भी है भाई, डायरेक्शन वालों का भी, डायरेक्टर का भी है, कैमरामैन का भी है, इसमें सब लोगों का हर फील्ड के लिए कार्ड बना हुआ है, हर चीज़ के लिए एक है ना भाई संस्था बनी हुई है। तो पूरे हिंदुस्तान में क्या है ना, ऐसे मुकेश छापरा है, श्रुति महाजन जी है, ये सब लोग मिल के है ना ये कास्टिंग डायरेक्टर की भी एक संस्था अगर बनाए तो फिर बड़ा ही अच्छा रहेगा, हम जैसे छोटे कास्टिंग डायरेक्टरों को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी इससे। थैंक यू। कुछ सवाल है? बस सही है ना भाई, सही है ना भाई, कुछ गलत?